Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start MCAT and ECAT chemistry past paper solution test 14 and 15. Last time jitni bhi videos hi wo sari ki sari upload ho gayi hain. So we are going to start test number 14. So test number 14 past paper chemistry solution. Question number 1. In a group which properties is similar? Group mein kaun si properties similar paayi jaati hain? तो अगर कोई भी एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सिमिलर, तो वन का ऑप्शन सी. सेकंड, पीवीसी इज अ डैश पॉलीमर. पीवीसी क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ डैश प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट. ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट क्या होते हैं, एडिशन पॉलीमर क्या होते हैं? ऐसी पॉलीमराइजेशन जिसकी फॉर्मेशन में कोई भी पोलर मॉलिक्यूल की रिमूवल ना हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HCl और वाटर रिमूव नहीं हो रहे तो ऐसी पॉलीमराइजेशन कहलाती है आपके पास एडिशन पॉलीमराइजेशन, और पीवीसी एक एडिशन पॉलीमर है. थर्ड में आंसर डी, क्योंकि पेंट में ड्रायर भी होता है, पेंट में बाइंडर भी होता है और पेंट में फिक्सर भी होता है. Paint is a combination of all, dryer, binder and fixer. It means that correct answer is D, all. Question number 4. Vitamin B is question number 4, D. All of above. It means that riboflavin bhi hota hai, thiamine bhi hai aur niacin bhi hai. So vitamin ya vitamin B is all of the above. 4, option D. 5. ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की गिवन है, 1s2, 3s2, 2px, 2py, 2bz. इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डैश अकॉर्डिंग टू होल्म्स रूल. अच्छा, असल में देखिए क्या है इसके अंदर. 5 में 4, 5, 6, 7, 2px, 2py और 2bz में एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे. ठीक है, आप कुछ लिखा हुआ नहीं है. 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन लें, 2PY में भी एक इलेक्ट्रॉन लें और 2PZ में भी एक इलेक्ट्रॉन लें. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 to 4 plus 3 7, और ये मिस प्रिंटिंग है, 1s2 के बाद 2s2 आएगा, 1s2 देन 2s2. 1s2 के बाद क्या आएगा हमारे पास? 2s2, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. तो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन हो गए. 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन. 5, ऑप्शन ए. 6, प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डैश. 6a, अमाइन शुगर. प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अमाइन शुगर. 7, परमानेंट हार्डनेस स्पेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश. 7, 7 में आंसर सी, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ये मैग्नीशियम है, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. तो सल्फेट्स होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के, बाइकार्बोनेट क्या होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के, सॉल्युबल. तो परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन. 7, ऑप्शन सी. 8, Ca3PO4 ट्वाइस इज डैश. Ca3PO4 ट्वाइस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोराइड. ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका है? फॉस्फोराइड का है, फॉस्फोराइड ड्रॉप. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज केसी ऑफ एस्टरफिकेशन इज डैश इफ एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड लिखा हुआ है 0.333 एंड ईस्टर इज 0.666. ठीक है, आसान सा न्यूमेरिकल है. क्वेश्चन नंबर 9 है. वैसे एक बात याद रखें, जब भी ईस्टरफिकेशन के लिए केसी पूछा जाएगा तो केसी क्या होता है ईस्टरफिकेशन के लिए? कांस्टेंट, दैट इज 4. ठीक है, अदरवाइज इसको सॉल्व करने का तरीका भी देख लेते हैं. देखिए हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन आ गई हमारे पास कुछ इस तरीके से. इनिशियल क्या होता है एसिडिक एसिड, CH3COOH प्लस C2H5OH. ठीक है, फॉर्मेशन किसकी हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है ईस्टर की एंड वाटर की. फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास ईस्टर, दैट इज CH3
COOCH3 plus water H2O. ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है. प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, देखिए पहली बात इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन गिवन है यहां पर हमारे पास, तो केसी पुट करना है. केसी क्या होता है? केसी इज द रेशियो बिटवीन एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट की वैल्यू ईस्टर गिवन है, यहां पर हमारे पास ईस्टर कितना है? ईस्टर है 0.666. ईस्टर इज 0.666. और सेकेंड, जो सेकेंड है हमारे पास वो क्या चीज है? वो है एसिडिक एसिड, कितना है? 0.333. ठीक है, ये दोनों वैल्यू का हम प्रोडक्ट ले बोलेंगे रेशियो. अगर हम वैल्यू पुट डाउन कर दें, देखें इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन गिवन है, तो प्रोडक्ट क्या है? ईस्टर और वाटर, एक्टिव मास ऑफ ईस्टर और एक्टिव मास ऑफ वाटर क्या होगी? इक्वल, जितना ईस्टर है उतना ही वाटर. तो इसका मतलब 0.666, इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं, 0.666 मल्टीप्लाई बाय 0.666. ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ले लें क्योंकि अभी स्क्वायर का ऑप्शन नहीं मेरे पास. डिवाइडेड बाय 0.333 और मल्टीप्लाई बाय 0.333. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4. एक बात याद होनी चाहिए हमारे पास कि ईस्टरफिकेशन के लिए हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, केसी कितना आएगा? 4 आएगा. ठीक है, केसी इज द रेशियो बिटवीन एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. अब एक प्रोडक्ट गिवन है और एक रिएक्टेंट गिवन है, लेकिन दोनों क्या है? इक्विलिब्रियम पर. तो जितना ईस्टर होगा उतना ही वाटर होगा, दोनों के कोफिशिएंट क्या है? सेम. जितना ईस्टर है उतना ही वाटर, ईस्टर कितना है? 0.666, तो वाटर भी 0.666 होगा. इसका मतलब ये हो गया प्रोडक्ट दो है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट दो के कौन कौन से हैं? ईस्टर और वाटर है. देखिए प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक तो हो गया ईस्टर, देखिए ये किसके इक्वल आ गया, ये हमने इक्वल रख दिया. एक हो गया हमारे पास ईस्टर और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया हमारे पास वाटर. मल्टीप्लाई हो रहा दोनों, ये आ गया H2O. ठीक है, एक ईस्टर और एक क्या हमारे पास? वाटर है. अच्छा, ये डिवाइड किससे हो रहे हैं? ये डिवाइड हो रहे हैं रिएक्टेंट से, तो रिएक्टेंट से डिवाइड हो रहे हैं. तो हमारे पास क्या है भाई? यहां पर एसिडिक एसिड CH3COOH और सेकंड क्या हमारे पास? सेकंड है अल्कोहल C2H5OH. अब असल में हमें गिवन क्या है? हमें एसिडिक एसिड गिवन है. जितने इक्विलिब्रियम पर एसिडिक एसिड के मोल्स होंगे उतने ही अल्कोहल के मोल होंगे. तो दोनों के मोल्स कितने हैं? 0.333. इसका स्क्वायर ले लें. और जितने मोल्स ईस्टर के होंगे उतने ही मोल्स कितने होंगे? वाटर के होंगे. ईस्टर के मोल कितने हैं? 0.666. दोनों का रेशियो लेंगे, दोनों का आंसर कितना आ गया? 4. ये मैंने इस वजह से बताया कि अगर इक्वेशन कुछ और होती तो हमें उसके लिए केसी याद नहीं होता. लेकिन याद रखिएगा ज्यादातर केसी पूछा जाता है ईस्टरफिकेशन के लिए, तो ये बात याद होनी चाहिए. फॉर ईस्टरफिकेशन केसी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज 4. हमेशा केसी कितना होगा? 4 होगा इसके लिए. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वेनेगर. वेनेगर के मेन कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है? एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड वेनेगर, इथानोइक एसिड, सिरका जिसे कहते हैं हम. तो 10 का ऑप्शन ए CH3COOH. ठीक है, 11 व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिडिक एसिड देन प्रोडक्ट इज डैश. अगर इथाइल अल्कोहल एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, जब भी कोई अल्कोहल एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनेगा? ईस्टर. और ईस्टर का IUPAC नेम क्या है? इथाइल एसीटेट. ये है इथाइल एसीटेट. तो 11 में ईस्टरफिकेशन रिएक्शन है, इथाइल एसीटेट की फॉर्मेशन हो रही है. तो ऑप्शन ए, 11 ऑप्शन ए. 12 द बॉन्ड इन HCl इज डैश. पहली बात कोवेलेंट है और दूसरी बात पोलर है. तो 12 का आंसर क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड.
कोवलेंट भी है और पोलर भी है. एस सी एल इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड. 12 का ऑप्शन ए. 13 द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज डैश. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वो कौन सा बॉन्ड है? वो है कोवलेंट बॉन्ड. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हमेशा यहां पर क्या होगा? कोवलेंट. ठीक है. तो अच्छा एक बात और है, एक मसला और है भाई. नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अमोनियम में हो गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद हाइड्रोक्सिल में हो गया आयोनिक. इसका मतलब ये हो गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी है और आयोनिक बॉन्ड भी है. तो ये बन गया 13 का डी ऑप्शन, 13 का ऑप्शन डी. ऑल 13 डी, ऑल ऑफ अबव. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी है इसमें, आयनिक बॉन्ड भी है और कोवलेंट बॉन्ड भी है. 14 पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय. पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. पीएच ऑप्शन ए, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. 14 का ऑप्शन ए. 15 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ठीक है, दिस लॉ इज नोन एज डैश. 15 का ए बॉयल्स लॉ. ठीक है, 15 ए बॉयल्स लॉ. 16 वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. दिस लॉ इज नोन एज ऑप्शन सी एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है. 16 का ऑप्शन सी. 17 रेट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. ए भी सही है और बी भी सही है, इसका मतलब सी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी. 17 का ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर हेस लॉ. 18 चाहिए हमें. हेस लॉ के मुताबिक हम क्या निकालते हैं? ओवरऑल रिएक्शन में जितनी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है, भले से वो कंबस्शन भी हो सकती है और आप एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है. असल में होता क्या है, ओवरऑल तो हीट इवॉल्व होती है, लेकिन ठीक है उसमें क्या करते हैं, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, तमाम एडिशन कर रहे होते हैं और एंडो भी कर रहे होते हैं. इसका मतलब 18 का ऑप्शन डी, टू टेल द रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. ठीक है, तो ये इसका मतलब कि ये हमें ये नहीं बताता. हम इसमें क्या मालूम करते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन में निकालते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन में निकालते हैं, हीट ऑफ कंबस्शन में निकालते हैं, लेकिन चेंज ऑफ एंथैल्पी बता रहा होता है हमें एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक. तो यहां पर डेल्टा एच के साइन से कोई ताल्लुक नहीं. देखिए सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो वहां पे हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी, एनर्जी रिलीज होगी. अभी जो इसके इंडिविजुअल स्टेप्स हैं, एनर्जी कहां पे एब्जॉर्ब हो रही है, कहां रिलीज हो रही है, ये हेविस लॉ का काम नहीं है. हेविस लॉ नहीं बता रहा, ये एंथैल्पी की चेंज से निकालता है. तो हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी हो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालनी हो, हीट ऑफ कंबस्शन निकालनी हो, तो वो हम निकालेंगे हेविस लॉ से. ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी, जो कि करेक्ट नहीं है, जो कि करेक्ट नहीं है. तो हेविस लॉ के जरिए हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन डिफाइन नहीं करते, बल्कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, कंबस्शन, रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19, इफ द हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम देन डेल्टा इज डैश. वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव. नहीं, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव. तो 19 निकालना है. 19 का ऑप्शन बी, 19 का ऑप्शन बी, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू. अगर ये कहते हैं वर्क डन जीरो है तो डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू. इन्होंने कहा कि वर्क डन सिस्टम के जरिए हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम
तो डेल्टा ई डिवर्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू. नाउ एंड सीओ थ्री एंड सी ए सीओ थ्री इज द फॉर्मूला ऑफ डोलोमाइट. 20 का ऑप्शन ए, 20 का ऑप्शन ए. देन 21, द मोस्ट अबंडेंट एंड इंपॉर्टेंट एस्टेरॉयड इन ह्यूमन बॉडी. अबंडेंट वाफर मिकदार में बकसरत बहुत ज्यादा पाया जाने वाला. तो 21 में आंसर है इसका बी, कोलेस्ट्रॉल. एस्टेरॉयड में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है. 22, ग्राम्स लॉ डील्स विद डैश. बहुत ही आसान सी बात है. तो 22 ए, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. ग्राम लॉ डील करता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के साथ. देन 23, हाइड्रोलाइसिस ऑफ विगनार्ड रिएजेंट गिव्स डैश. 23 में ए, अल्केन मिलता है अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं इसकी ग्रिगनार्ड रिएजेंट की, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो हमें फॉर्मेशन किसकी मिलती है, अल्केन की. ओके. देन 24, फैट्स ऑन डिकम्पोजिशन इन द टिश्यूज ऑफ बॉडी प्रोड्यूस डैश. 24, अगर फैट डिकम्पोज होगी, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होगा भाई. करेक्ट ऑप्शन ऑफ 24 इज बी, एनर्जी. 24 का आंसर है एनर्जी. क्लियर. जब भी फैट डिकम्पोज होगी टिश्यूज वगैरह में बॉडी के अंदर, तो ये बॉडी प्रोड्यूस होगी, टिश्यूज ऑफ बॉडी प्रोड्यूस एनर्जी. 25, एंजाइम्स आर डैश. ये बहुत बार रिपीट हो गया क्वेश्चन. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं. नाउ वी हैव कंप्लीट टेस्ट नंबर 14 है. We are going to move towards test number 15, which is last test, past paper solution. और ये भी आप लोग इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, समझ लेंगे. कार्बोहाइड्रेट कंटेन फंक्शनल ग्रुप डी, पॉलीहाइड्रोक्साइल भी होता है, पॉलीहाइड्रोक्साइल किटोज भी होता है, पॉलीहाइड्रोक्साइड एल्डोज भी होता है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीस. क्वेश्चन नंबर 2, 5 ml ऑफ 1 molar NaOH, amount of NaOH present, volume given है 5 ml, 2.5 की पढ़िएगा, 5 ml volume given है और 1 molar concentration given है किसकी, NaOH की. तो question number 2 का correct answer है 0.2 grams. इसको करने का तरीका क्या है, मैं सिर्फ formula बता रहा हूँ आप लोगों को कि किस formula से ही हम करेंगे, तो जरा और से देखिएगा भाई. यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें जरा गौर से देखें. मोलैरिटी विल बी इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, मल्टीप्लाई बाय 1000 divided by volume in ml. ठीक है, तो ये आसान सा फॉर्मूला है, ये हम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, नाउ वी हैव कंप्लीट पास्ट पेपर टेस्ट 14 है. नाउ द पास्ट पेपर केमिस्ट्री टेस्ट 15 विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.